आज हम लोग जा रहे हैं जमील मेमन की मंडी कवर करने और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। ये जानवर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये सारे फॉर सेल के लिए भाई अवेलेबल हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जमील मेमन कॉलोनी अच्छी है। और इसकी कमर देखें आप, ये देख रहे हैं इस पर बंदा सो जाए कितने, ये मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा लग, ये देखें अब, देखें अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कैसी माशाल्लाह से कमर है। ये प्रिंट है यार इसका, माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है। और ये ओहो गुस्से में, ओहो हो भाई 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 आराम से, क्या हो गया ये। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बीस्ट बंधेगा, उसके लिए यहाँ पर सेटअप हो रहा है। यहाँ पर भी एक पाड़ा खड़ा हुआ है माशाल्लाह भाई, खूबसूरत गुलाबी पाड़ा, वाइट कलर पिंक कलर का भाई, माशाल्लाह खूबसूरत पाड़ा है यार। सींग देख रहे हैं, सींग भी इसके खूबसूरत बने हुए, बिल्कुल शेमस माशाल्लाह भाई। प्रिंट देखें माशाल्लाह यार, क्या ज़बरदस्त प्रिंट है, तीन चार कलर्स में ये बछड़ा है। और इसका प्रिंट देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्रिंट है यार माशाल्लाह, दिल पे लग रहा है। दूर से आप आएंगे ना, सामने की से ही आपको नज़र आएगा। और प्रिंट देखें यार, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, हमारे व्लॉग्स ही तरह इन्जॉय कर रहे होंगे। तो यार आज दोपहर में मैं उठ चुका हूँ और बस आज हमारे पास बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आज सबसे पहला काम हमारा ये, हमारे कासिम भाई इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं तो हमें उन्हें पिक करने जाना है। तो इंशाल्लाह बस अभी थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, थोड़ी सी भूख लग रही है, तो उसके बाद बस चलते हैं और कासिम भाई को पिक करते हैं। कासिम भाई हमारे, अगर आप कासिम भाई को नहीं जानते तो आप हमारे ब्लॉग्स नहीं देख रहे। कासिम भाई हमारे बहुत ब्लॉग्स में, वो अभी इस्लामाबाद गए हुए थे 10 दिन से, वो पिछले ब्लॉग्स में नहीं आ पाए, आज उनके पास चल के हम उनसे आपका रब्ता करवाते हैं। तो बस चलते हैं 10 मिनट में, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लें और बस निकलते हैं, लेट्स गो। तो ओके भाई, गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ और बस सफ़र की तरफ अब रवाना होते हैं। हमारे कासिम भाई भी बस पहुँचने ही वाले होंगे, बस 5 मिनट में उनको पिक करते हैं और आगे की अपडेट आपको वहाँ चल कर देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आ चुके हैं कराची बस टर्मिनल और ये रहे हमारे साथ कासिम भाई, द वन एंड ओनली। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका टूर? काफी अच्छा रहा। अच्छा, काम कम था, एंजॉयमेंट ज्यादा थी, ज्यादा थी। अच्छा भाई, तो और हमारे साथ हमारे तैयब भाई भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वीआईपी। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। बस अब कासिम भाई को हमने पिक कर लिया है और अब कासिम भाई आ गए हैं तो अब हमारा ड्रोन भी हमारी अलमारी से निकलेगा और उसके बाद हम आपको अच्छे अच्छे शॉट्स ड्रोन के देंगे इंशाल्लाह। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, हम लोगों ने ड्रोन भी लिया है और उसके भी हमारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। जब तक आप वो ड्रोन के व्लॉग्स देखें, मैं जब तक घर पहुँचता हूँ। तो भाई हमारे कासिम भाई को ड्रॉप कर कर आ गया हूँ, दरअसल अभी रेस्ट वेस्ट करेंगे, दूर से ट्रैवल कर कर आए हैं। तो मैं वापसी आ चुका हूँ हमारे बाहुबली और हमारे सिब्बी के पास, दोनों खड़े हुए हैं अभी, खाना वाना खा रहे हैं अपना। ये इनका खाना वाना बन गया है, ये दोनों खाना वाना खा रहे हैं। तो अब हमारा प्लान ये, तो आज हम लोग जा रहे हैं जमील मेमन की मंडी कवर करने और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो हमारे साथ हमारे हमारे फेवरेट हमारे भाई उमेश भाई मौजूद हैं, उनके साथ हमारे बगर भाई मौजूद हैं, उनके बड़े भाई। मैं इसको बंद कर दें ज़रा, सामान वामान सब ले लिया हमने, एक सेकेंड जी भाई, वॉलेट वगैरह सब है जी। तो हमारे साथ उमेश भाई मौजूद हैं, हमारे साथ बगर भाई मौजूद हैं और हमारे साथ बगर भाई के दोस्त अदील भाई मौजूद हैं। तो बस हम लोग सफ़र के लिए अब निकल रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं जमील मेमन के लिए, हमारा सफ़र है। हमारे साथ उमेश भाई भी मौजूद हैं, हमारे साथ अबू बकर भाई भी मौजूद हैं और हमारे साथ अदील भाई भी मौजूद हैं। तो और हम लोग जा रहे हैं हमारे उस्मान भाई को लेने, हमारे उस्मान भाई, आप उस्मान भाई को नहीं जानते भाई, उस्मान भाई का भी चैनल है यूट्यूब पर, आ रही हूँ बर्ड्स के नाम से, नीचे आ रहा होगा। तो आप उस्मान भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, बहुत अच्छी कवरेज करते हैं और उनके पास भी काफ़ी कुछ कॉन्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो बस हम लोग सफ़र के लिए निकल चुके हैं, हम अभी रास्ते में हाईवे पर इंशाल्लाह, अभी हम लोग बाड़े जा रहे हैं हमारे कैटल फार्म, वहाँ से उस्मान भाई को पिक करेंगे और फिर हम लोग जमील मेमन के लिए रवाना होंगे, लेट्स गो। ओके सर, तो हम लोग बाड़े आ गए हैं हमारे उस्मान भाई को लेने और यहाँ पर दरअसल लाइट गई हुई है थोड़ी सी ना, तो जानवर थोड़ा अंधेरा में, लेकिन फिर भी अंधेरा तो नहीं है, ये देख लें इतनी अच्छी खासी रोशनी है कि जानवर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ये सारे फॉर सेल के लिए भाई अवेलेबल हैं, तो आप लोग आज इस व्लॉग में, अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो ये सारे फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं, आप एसआर भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो जानवर आपको पसंद आए वो इंशाल्लाह आप स्क्रीनशॉट ले लें
और एसआर भाई से कॉन्टैक्ट कर लें, एसआर भाई आपको हर जानवर की पिक्चर आपको सही से डिटेल में बता देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अभी हम आपको एसआर भाई से भी मिलवाते हैं, ज़रा वो डीलिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पे इस वजह से। तो लाइट आ गई है भाई बाड़े पे और देख रहे हैं अब रोशनी में आपको सारे जानवर नज़र आ रहे होंगे, तो आप एसआर भाई से कॉन्टैक्ट कर लें। हमारे एसआर भाई ये खड़े हुए, ये भी बड़े फेमस हो गए भाई यूट्यूब पे, द ग्रेट एसआर भाई। कैसे हैं भाई आप, रिस्पॉन्स कैसा है भाई? रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, अच्छा भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें। तो बस अब हम लोग निकलते हैं, हमारे उस्मान भाई भी आ गए हैं, अब बस उस्मान भाई को लेते हैं और इंशाल्लाह हम आगे सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। तो भाई हम कराची टूर पर आ गए हैं और बस इंशाल्लाह 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे जमील मेमन। जेंटलमैन, जमील मेमन कॉलोनी, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये आपको कैटल फार्म के बोर्ड्स आज नज़र आ रहे होंगे, ये अभी लगे हैं एक आध दिन पहले ही, तो सब ने अपने अपनी बैनर लगा दिए हैं यहाँ पर प्रमोशंस के लिए। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैटल फार्म दिखाएँ। मेमन पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग साबरी कैटल फार्म आए और माशाल्लाह से आप ये इनकी बछड़ी चेक कर लें, माशाल्लाह भाई गुलाबी बछी है ये, माशाल्लाह। अच्छा, शरीफ बच्ची है, ये देख रहे हैं खूबसूरत बच्ची है गोलाइयों में बिल्कुल, माशाल्लाह से ये साबरी कैटल फार्म, माशाल्लाह से खूबसूरत बच्ची है, भरी हुई पूरी कमर देख रहे हैं इसकी आप, माशाल्लाह। एक ये बैठी हुई है, ये देख रहे हैं इसकी कमर, माशाल्लाह भाई ये बच्ची है और इसकी कमर देखें आप, ये देख रहे हैं इस पर बंदा सो जाए कितने, ये मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा लग, ये देखें अब, देखें अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कैसी माशाल्लाह से कमर है। ये बच्चियाँ खड़ी हुई है, ये बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से, सारी बच्चियों उनकी कमरें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं, साबरी कैटल फार्म माशाल्लाह से, आप विज़िट करें यहाँ जमील मेमन में गाइस। तो उसके बाद हम लोग आए हैं अब आरके कैटल फार्म और ये देखें माशाल्लाह से ये बच्चियाँ देखें, खूबसूरत भरी हुई बच्चियाँ माशाल्लाह, साइज़ बहुत अच्छा है इसका और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे बछड़े बच्चियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं ये बछड़ा है और ये बच्ची है, ये देख रहे हैं दोनों की हाइट में फ़र्क देखें, बच्चियाँ माशाल्लाह से ज़्यादा ऊंची है बछड़े से, ये देखें माशाल्लाह ये दोनों बछड़े हैं, जोड़ी है भाई खूबसूरत बछड़ों की, दोनों भाई हैं माशाल्लाह, खूबसूरत भरे हुए बछड़े हैं, ये देखें माशाल्लाह वाइट कलर में बछड़ा देखें आप माशाल्लाह। अच्छा, ये टेडी ब्लैक ब्यूटी माशाल्लाह से, ये बछड़ा देखें आप खूबसूरत, यार अच्छी कलेक्शन है, वो बोल रहे हैं मुझे भी वीडियो में लो, भाई आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं, सब्र करें, ये देखें माशाल्लाह छोटा मुंह है इसका, खूबसूरत सी आर के कैटल फार्म लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये वाला बछड़ा तो देखें माशाल्लाह, ये दोनों भी बड़े खूबसूरत बछड़े हैं, ओहो माशाल्लाह क्या प्रिंट है यार इसका, माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है। और ये ओहो गुस्से में, ओहो हो भाई 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 आराम से, क्या हो गया भाई, ये आर के कैटल फार्म के जानवर हैं और ये देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है, सींग विंग भी इसके काफ़ी गुलाबी सींग है भाई इसके माशाल्लाह से खूबसूरत, ये देख रहे हैं माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बीस्ट बंदेगा उसके लिए यहाँ पर सेटअप हो रहा है। हम लोग आए हैं कामरान समन कैटल एंड गोट फार्म में और ये देखें भाई यहाँ पर भी एक पाड़ा खड़ा हुआ है माशाल्लाह भाई, खूबसूरत गुलाबी पाड़ा, वाइट कलर पिंक कलर का भाई माशाल्लाह खूबसूरत पाड़ा है यार, सींग देख रहे हैं सींग भी इसके खूबसूरत बने हुए बिल्कुल शेमस माशाल्लाह भाई। अब ये वाला बछड़ा देखें माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है, क्या बात है यार माशाल्लाह से भाई, शौक बहुत अच्छा किया हुआ इन्होंने भी, ये प्रिंट देखें माशाल्लाह यार क्या ज़बरदस्त प्रिंट है, तीन चार कलर्स में ये बछड़ा है और इसका प्रिंट देख रहे हैं बहुत खूबसूरत प्रिंट है यार माशाल्लाह, दिल पे लग रहा है, दूर से आप आएंगे ना सामने की से ही आपको नज़र आएगा, और प्रिंट देखें यार बहुत खूबसूरत माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखें ये जॉइंट बैठे हुए हैं, ये मेरे दांतों में पूरे लग रहे हैं शक्ल से, 6-8 दांत के बछड़े हैं माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह भाई ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा घेनी भैंस है इनके पास, छोटी टेडी में बिल्कुल छोटी सी, ओहो भाई ये देख रहे हैं
बिल्कुल छोटी सी है, ये मेरी कमर तक आएगी। ये देखें, ये रहा मेरा हाथ, ये नहीं मेरी कमर, कमर तक आ रही है भाई। ये भैंस है माशाल्लाह से। अब ये खुला छोड़ा हुआ है इन्होंने, वो भाई ये ऑस्ट्रेलियन है, चिया खुली छोड़ी हुई है इन्होंने भाई। भाई ये खुली हुई है, हाँ माशाल्लाह से खूबसूरत बच्ची है यार, अच्छी बच्ची है। ये भी गेनी है, ये वाली भाई ये भी गेनी है, और ये माशाल्लाह से बहुत छोटी है। और एक वो चांद बैल बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, वो भी भाई खूबसूरत है बच्चियाँ, माशाल्लाह से खुली हुई है। इसकी आप चौड़ाई चेक करें, माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप। अच्छा एक आंख इसकी अलग कलर पे प्रिंट आया हुआ है इसकी आंख पर, और एक आंख वाइट कलर में, और ये गुलाबी में, और माशाल्लाह से भाई बहुत खूबसूरत बच्ची है यार माशाल्लाह। और ये तो भाई बिल्कुल ही अलग है, गेनी भैंस माशाल्लाह, खाना खा रही है अभी, तंग नहीं करते इसको ज़्यादा। आगे की तरफ चलते हैं और आपको और जानवर दिखाते हैं, पूरा व्लॉग देख के जाएगा अभी आपको, हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानवर भी दिखाएंगे। तो गाइस तो अब हम लोग आए UDF कैटल फार्म, और माशाल्लाह से देख रहे हैं यहाँ तो रौनक लगी हुई है भाई, बड़ा रश लगा हुआ है, काफ़ी लोग आए हैं भाई यहाँ पर जानवर लेने देखने। भाई ये जोड़ी है माशाल्लाह से खूबसूरत बछड़े हैं, ओह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये बछड़ी देख रहे हैं आप माशाल्लाह भाई खूबसूरत बछड़ी है, ओहो खड़े हुए सारे बीस्ट, ओहो भाई माशाल्लाह, सबके साइज़ देखते जाएं आप माशाल्लाह से, सारे बड़े बड़े जाइंट साइज़ के बछड़े खड़े हुए हैं, एक से बढ़कर एक है भाई, पता चलना ना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। ये देखते जाएं आप, देखते जाएं, नज़र नहीं हटेगी माशाल्लाह से, ओहो भाई ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा, साइज़ देखें इसका आप, खूबसूरत देसी बछड़ा है ये माशाल्लाह। अच्छा तो मैं आप लोगों को अभी एक सरप्राइज़ देता चलूं, जैसा कि आपको पता है जेडी सीधे हमारे जफर भाई के पास बहुत अच्छे अच्छे जानवर उतरते हैं, पूरी कलेक्शन उतरती है, तो उनकी कलेक्शन के मैं कुछ जानवर आप लोगों को दिखाता हूं, जो इस साल इंशाल्लाह 10 से 12 दिनों में हमारे JDC के अवेलेबल होंगे। तो जफर भाई एक बार आए थे हमारे साथ यहाँ पर, और एक माशाल्लाह से ये वाला, ओहो भाई ये भी उड़ गए, ये देखें माशाल्लाह, जफर भाई की जो कलेक्शन आएंगी उनमें ये